वेलकम एवरीवन यू आर वाचिंग द न्यूज़ थर्ड डे प्ले इज़ जस्ट ऑफ बिकॉज ऑफ अरे इंग्लैंड ने शानदार खेल का मुजाहरा किया uh, अपनी पहली इनिंग में तीन सौ बासठ रन बनाए जो उन्हें ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए एक सौ बासठ रन सिर्फ एक सौ सतावन बनाए और अपनी टीम को इस मुकाम पर ले आया कि वो न्यूजीलैंड को वो लीड दे सका जब कल हमारा जो ख्याल था कि मतलब इंग्लैंड की जो बैटिंग लाइनअप है वो ट्रेंट बॉल्टवर टीम साउथी के स्विंग के ऊपर या और उनके इंग स्विंग जो यार करती या उनकी जो इंग स्विंग की बॉलिंग थी उनके खिलाफ इतनी डरी नहीं रहेगी लेकिन न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड के बॉलरों ने उनको ओवर टॉप टाइम आखिर में नहीं दिया और जेमी वटन ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए अठानवे रन स्कोर किया इसके साथ अगर हम बात करें तो जॉनी बेस्टू ने एक मरतबा फिर शानदार इनिंग्स खेलते हुए एक सौ बासठ रन बनाए जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने अभी तक पाँच विकेटों के नुकसान पर एक सौ अठासठ रन बनाए आज तीसरे दिन का ख्याल अखताम पजीर हुआ टॉम लंडर और डेरन मेचल दोनों क्रीज पर मौजूद हैं जो नए बैट्समैन हैं केन विलियमसन ने दूसरी इनिंग्स में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अड़तालीस रन की इनिंग्स के लिए उसके एक किस्म की वापसी हुई इसके अलावा टॉम लेथम जो मुसलसल आउट तकरीबन इस सीरीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड के पास बॉलर के खिलाफ उसने ज़बरदस्त छिहत्तर रन की इनिंग्स खेली लेकिन एक 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 मौके पर न्यूजीलैंड की सौ रन पे एक खिलाड़ी आउट था लेकिन अभी उनकी एक सौ अठा साठ पर पांच खिलाड़ी आउट है मेटी पार्ट्स ने दो विकेट ली जूी रूट ने डेविन कन्वे की विकेट ली इसके साथ ही जेकलीच और श्योट बॉर्ड ने आज ओपनिंग फिल कराई कल हम देखेंगे कि किस तरह और रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि अभी न्यूजीलैंड को वन थर्टी प्लस रन की लीड भी हासिल है डेरन मिचल जो कि इस सीरीज में बहुत सुपर फॉर्म में है वी कैन सेट इट ही देयर

Thank you. Don't forget to like, subscribe and share.